नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनके तैयार है, हालांकि ये जनता के लिए ऑफिशियली अभी नहीं खुला है, लेकिन गाड़ियां इसके दोनों तरफ से सर्राटे से चल रही हैं। आज हम आपको अपनी खबर के जरिए दिखाते हैं कि रात के समय ये फ्लाईओवर चलने में कैसा है। हालांकि इसके बीच में अभी जो लाइट्स लगाई गई हैं वो चली नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इसके बीच में अभी कई सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो भी पेंडिंग है, जिसको लेकर कई सारी मशीन्स अभी ऊपर लगाई गई हैं। उस बीच वाहन लगातार चल रहे हैं। और अगर हम गणेश विहार मुट्ठी से बात करें, यहाँ से लेकर केनाल हट तक पहुँचने में, और अगर पीक समय की बात करें तो कई मिनट लग जाते थे, कई कई बार तो घंटे भी लग जाते थे। लेकिन यहाँ से गणेश विहार से केनाल हेड तक कितना समय लगता है, हम आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर चल के बताएंगे। और रात के समय दिखाते हैं कि इस फ्लाईओवर का नज़ारा कैसा है और कैसे लगता है। सबसे पहले चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं, मैं वीडियो जल्दी से कहूँगा, वो आपको यहाँ से मेरे पीछे बैठ करके दिखाए कि किस तरह के ये पूरे दृश्य हैं। चलिए चलते हैं। तो अभी हमने फ्लाईओवर के ऊपर चलना शुरू कर दिया है, और ये गणेश विहार मुट्ठी है, यहीं से फ्लाईओवर शुरू होता है। रात के समय अभी आपको गुप्त अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन बीच में दिख रहा होगा कि दोनों लेन्स बन चुकी हैं, और जो बीच में बाकायदा साइंस लगाए गए हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रात के समय, और जो लेन्स को बताते हैं कि लेन्स कैसे चल रही हैं। और बीच में डिवाइडर के ऊपर इस तरह के सिस्टम बनाया गया है कि दूसरी तरफ की जो लाइट्स हैं वो आपके ऊपर ना पड़े। देखिए, कुछ सामान अभी बीच में पड़ा हुआ है, यकीनन अभी ये फ्लाईओवर ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं हुआ है, इसलिए रात के समय चलने में ये काफ़ी अभी इसको खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अगर कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है वो यकीनन इन चीज़ों से टकरा सकती है। तो हम अपील करेंगे जो भी लोग इसके ऊपर चलते हैं रात के समय, बड़े आराम से देख सुन के चलें। और तस्वीरें हम आपको इस समय इस नए फ्लाईओवर की, जो जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, इसकी दिखा रहे हैं ऊपर चलकर, और दिखाते हैं कि किस तरह से रात के समय ये चलने में कैसा, कितना सेफ है। और जब ये पूरा ऑफिशियली इनॉग्रेट हो जाएगा, इसमें लाइट्स जो है वो चल पड़ेगी, तो आपको गणेश विहार से मुट्ठी तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। इस समय हमारी जो गति है, स्पीड है, वो हम लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। और ये जो फ्लाईओवर बना गया है, ये इस तरह से बनाया गया है कि इस पर तेज वाहन भी चल सकते हैं, और बड़े बढ़िया मैकेनिज्म से ये तैयार हुआ है। NHIDCL ने अपनी देखरेख में इस फ्लाईओवर को बनवाया है, हालांकि ये पहले ही बन जाना था, लेकिन कई बार इसकी जो डेडलाइन है वो क्रॉस हुई, और अभी भी कहा जा रहा था कि ये नवरात्रों में इनॉग्रेट हो जाएगा, लेकिन अब एक चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे उस समय से ये इनॉग्रेट करें। और इस फ्लाईओवर की कई जगह इतनी ऊंचाई है कि इसके ऊपर से चलते हुए आप पूरे जम्मू शहर का नज़ारा वो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बनाया गया फ्लाईओवर है, और कई लोग यहाँ पर अभी से ही रुककर सेल्फीज भी ले रहे हैं, और इस तरह का कई सारा सामान अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, कई मशीन्स पड़ी हुई हैं, जिसको देख करके, समझ करके रात के समय वाहन चलाने जाने चाहिए। और अभी भी कई जगह इस पर वायरिंग होनी है, जिस कारण इसके जो सेंटर पोल्स हैं लाइट्स के वो काम करेंगे, और उसके बाद ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। हालांकि इसके नीचे का जो पोर्शन है उसमें कई जगह भी काम चल रहा है, जो सेंटर डिवाइडर्स हैं उसमें ग्रीन पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और डिवाइडर को दुरुस्त किया जा रहा है। अब आप दूर तक देखेंगे जो उसके साथ जो दूसरी रोड पैलर केनाल हट से गणेश विहार तक जा रही है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन वो गाड़ियों की जो लाइट है वो इस ओर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके सेंटर में जो
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, फ्लाई ओवर बनकर तैयार है। और अभी हम जो हमने गणेश विहार से अपनी ये पूरी राइड शुरू की थी इस फ्लाई ओवर के ऊपर, अभी हम केनाल हेड्स पर नीचे उतरने जा रहे हैं और महज कुछ मिनट लगे, कुछ मिनटों में हम नीचे पहुंच गए। और हमारी गति भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ हमने 50 से 60 किलोमीटर की गति रखी। हालांकि बड़ा देख संभल के हम चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे अभी इक्विपमेंट्स इस हाईवे को बनाने वाली कंपनी ने अभी ऊपर ही रखे हैं। इस बीच यहाँ पर ये फ्लाई ओवर ख़त्म होता है और ये कनाल हेड जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा पूरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया फ्लाई ओवर ये बनके तैयार है। कई सारे ट्रक्स भी खड़े हैं, इसीलिए हम अपील करेंगे बड़ा देख सुन के आराम से इस पर इस समय अभी वाहन चलाएं। तो ये पूरा फ्लाईओवर की हमने आपको दिखाया चला के कि किस तरह से अभी ये फ्लाईओवर रात के समय, हालांकि क्योंकि पहले इसको बंद किया गया था तो यकीनन इस पर गाड़ियाँ नहीं चल रही थी रात के समय, लेकिन अभी जिस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे, ये एक मिक्सचर खड़ा है यहाँ पर और कई सारे और छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी इसके काम के लिए इसमें उपयोग हो रही हैं, वो इसी फ्लाईओवर के ऊपर पड़ी हैं। इस बीच गाड़ियाँ, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स सराटे से इस फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि कई जगह टर्न्स में वो मशीनें अभी भी पड़ी हैं और रात के समय अगर आप उस पर चलेंगे तो यकीनन आपको वो एकदम से दिखेंगे नहीं, तो बहुत संभल करके चलाने की ज़रूरत है। वहीं जब ये लाइट सेंटर वाली चल पड़ेंगी तो यकीनन काफ़ी मदद मिल जाएगी और ये ऑपरेशनल हो भी जाएगा, लेकिन अभी ये ऑफिशियली ऑपरेट नहीं हुआ है, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारा नीचे भी सामान कंस्ट्रक्शन कंपनी का पड़ा हुआ है और वायरिंग भी हो रही है और बीच बीच में छोटा मोटा काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाहन चलना शुरू हो गया है। बहुत देख संभल के वाहन चलाने की ज़रूरत है, बहुत सारा सामान मैं फिर कह रहा हूँ इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं बड़े संभल करके चलाएं, क्योंकि छोटी सी भी गलती एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है और ये फ्लाईओवर शुरू होने से पहले ही कोई हादसा यहाँ पर ना हो जाए इसका खास ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रपोजल है वो फोर्थ ब्रिज से लेकर कनाल हट तक एक और फ्लाईओवर जो है उसको लेकर अप्रूवल ऑलमोस्ट हो चुका है, काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा और जब ये फ्लाईओवर बनेगा, अभी जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो गणेश विहार से लेकर कनाल हेड तक आने में मात्र आपको 3 से 4 या 5 मिनट लग जाएंगे अगर आप बहुत आराम से भी चलते हैं। तो ये साफ तौर पे जम्मू के लिए सौगात है। तो हमने आपको सोचा चलिए रात के समय आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर चल के दिखाते हैं किस तरह का ये फ्लाईओवर है रात के समय चलने में। और क्योंकि जो विक्रम चौक से लेकर गांधीनगर तक का 1.3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 2016 में जम्मू को मिला था, वो बनने पर उस पर कई सारी खामियां निकली थी। अब उसको छील करके उसके जो ब्लैक टॉप है उसे दोबारा से डाला जा रहा है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन इस फ्लाईओवर को एसपी सिंगला ने बनाया है, NHIDCL ने के अंडर ये फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है। अब आगे का जो 4 लेन प्रोजेक्ट है गणेश विहार से लेकर अखनूर तक का, उसमें कई जगह काम चल रहा है अभी और कई जगह हो भी चुका है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन पहले इस एलिवेटेड पार्ट को जम्मू के लोगों को सौंप दिया जाएगा और आने वाले समय में इसका फ़ायदा लोग उठा सकेंगे। लेकिन अपील यही कि अगर आप इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं बड़े देख सुन के आराम से, क्योंकि बहुत सारा सामान इसके ऊपर पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिसका काम में उपयोग आ रहा है, तो उससे वाहन ना टकरा जाए वो खास ध्यान देना है। और कृपया करके सेल्फी लेने के लिए भी इसके ऊपर नहीं रुकिएगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं, अभी भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, ट्रक्स जो हैं ये इसके ऊपर गुजर रहे हैं। और युवाओं से अपील करेंगे कि बहुत ध्यान से अभी सेल्फीज के लिए मत रुकिए, जब लाइट्स चल जाएंगी तब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से आगे आने वाले समय में चलने वाली हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।